स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तराखंड का एक और लाल आतंकी उसे लोहा लेते हुए देश के नाम शहीद हो गया। कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान देहरादून के रहने वाले कैप्टन दीपक सिंह ने अपनी जान की बाजी लगा दी। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में देश का ये बहादुर लाल वीर गति को प्राप्त हो गया। कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे एक ऑपरेशन के दौरान उत्तराखंड के 25 वर्षीय कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। कैप्टन दीपक सिंह काउंटर इमरजेंसी 48 राष्ट्रीय राइफल में सिग्नल अधिकारी के पद पर तैनात थे। कैप्टन दीपक सिंह अपनी टीम के साथ शिवगढ़ धार इलाके में छिपे आतंकियों की तलाश में जुटे थे। इस दौरान उनकी आतंकियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें कैप्टन दीपक सिंह ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक आतंकी को मार गिराया, लेकिन इस दौरान वे खुद आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। उन्हें घायल अवस्था में तुरंत आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैप्टन दीपक सिंह की शहादत पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड के इस लाल का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत दुखद है और मैं क्योंकि जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, हमें गर्व भी है, लेकिन अकस्मात ही उनके परिवार के लोगों के लिए बहुत बड़ा दुख है। भगवान ऐसे समय में उनको इस कष्ट को सहन करने का, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ऐसे समय में राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, सारे लोग हम उनके साथ हैं। भगवान दिवंगत आत्मा अपने श्री चरणों में स्थान दे। बता दें कि कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया था। साथ ही मारे गए आतंकियों के पास से सेना ने M4 कार्बाइन भी बरामद की है। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले कैप्टन दीपक सिंह की शहादत ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। देहरादून में उनके घर पर उन्हें अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है।